आपके ब्लॉग्स देखता रहता हूँ। ओए सुपारी नशे कर रही है आजकल इन्होंने मुझे बोल। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आदि तोमर ब्लॉग्स। तो गाइस अभी फिलहाल मैं मुझे और यश को जाना है डुलमु दिल्ली की शादी के कार्ड बांटने के लिए कुछ जगह। कहाँ कहाँ जाएंगे वो हम आपको बीच में कहीं रस्ते में रुक के बताएंगे। तो पहले फटाफट से यहाँ से चलते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 9:45। और अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना और दोस्तों का शेयर भी करना। अभी हम हो चुके हैं तैयार, लौंडा फिट एंड फाइन, लेकिन बिना हेलमेट के जाने की कोशिश कर रहा है ये। इसे पता नहीं है चलान 1000 रुपए का कटेगा सीधा, और चलान ही नहीं सेफ्टी पर्पज से पहनना चाहिए। कितने का? तीन चलान अगले चलान पर सीजी होगी गाड़ी। दो ट्रिपलिंग के एक फ्लाई साइज, देख रहे हो तब इतना खुश हो गया बता रहा। और एक तो बाइक के भी तो कटे थे जिस टाइम रिंग से। ये जिनकी शादी है। हेलो गाइस, हमारा चलान कटा है जब भी इनके शादी से रिलेटेड कुछ भी काम है। मतलब तुम्हारी शादी का काम उल्टा काम है, कहने का मतलब यही है आपका। चलान तो हेलमेट का नहीं और भी कटा है ना, कागज का चलान कटा है। तुमने कागज कहा है? मुझे ये तो किस्मत है ना, नसीब खराब हो गया जैसे। जब हम इनकी पक्की करने जा रहे थे तब भी मेरा चलान कटा। निकल लो इसे पहन के। फिर जब क्या कहते हैं जिस दिन इनके एंगेजमेंट थी उस दिन मेरा चलान कटा क्योंकि बिना हेलमेट के हीरो बन के जा रहे। अब हम इन्हीं के काम से जा रहे कार्ड बांटने। ओए नहीं, चुप 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 लेके जा रहे हैं। आज हम हेलमेट लेके जा रहे हैं। मैं नहीं पहनना, पहन लेगा पहन ले। अभी पसीना है, सब्जी खाई है तो पागल है। पहन तेल डलवाने के बाद पहन लूंगा, बाहर ही तेल डलवा। देख रही हो सर भैया तेल डलवा पे पहन ले, व्लॉग के चक्कर में तो पहन ही ले, कहेंगे मैं चो क्या क्या मैसेज दे रहे हैं हमें। ये बात कुछ बिगड़ा छोटा है, यो। है? जैसे तेरा सिर लंबा, तेरा सर बड़ा। जो भी कह रहा मेरे सिर। और भाई अगर ये हेलमेट ना लगावे तो इसे स्कूटी में चला रहे दियो। हाँ तो फिर मैं चला लू। तो ना 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 अभी तो चला, चलो बाय ब्रो, सी यू इन द इवनिंग, डांस करेंगे, बाय बाय। सो लेट्स गो गाइस, हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट कार्ड बांटने की। अब देखते हैं हमारा कितना टाइम लगे। फिलहाल टाइम जो हो रहा है, ये स्कूटी झटके ले रही है, 11:20। तो गाइस अभी ना फिलहाल हम अपने पहली जगह पे तो पहुंचने वाले हैं, और लेकिन यार ये जो रास्ता है ना, आए हाय ये देखो धूल ही धूल, फेस पाउडर लगा जा रहा है हमारे चेहरे पे और कुछ नहीं है। और अभी हम पहले घर पे जाएंगे, पहले घर पे फेस पाउडर लगा मिलेगा हमारे। तो गाइस अभी ना फिलहाल हमने एक जगह का कार्ड दे दिया है, और अब हम जा रहे हैं फिलहाल नहर के किनारे सुसुम करने के क्योंकि असली मजा खुले में है। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आज का हमारा प्लान है कहाँ कहाँ जाने का, क्योंकि बहुत जगह जाना है हमें, और टाइम हमने यहीं पर ना आधा घंटा वेस्ट कर दिया। ऐसे उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, बातों में ऐसे लग गए। तो अब जल्दी से उस काम को करके लघु शंका को फिर हम आपको बताएंगे कहाँ पहुँचना है हमें। हमने सपनावत क्रॉस करा है, मतलब थोड़ी देर में हम सपनावत के फेमस मंदिर के पास जाएंगे, वो भी आपको दिखा दूंगा मैं। अभी जो हम फिलहाल रुके हुए लघु संख्या के लिए रुके हैं क्योंकि बहुत ही तेज आ रहा है, जबकि हम घर पे से आए बिल्कुल इसकी अभी दीदी के गए थे हम एक के यहाँ तो, लेकिन नहीं घर पे मजा नहीं आता जो मजा खुले में करने का है। देखो खुला एरिया है चारों तरफ आज। तो गाइज अब हम आपको फाइनली बताते हैं हमारा आज का प्लान क्या है। हमारा प्लान ये आज हम गाजियाबाद की तरफ के जितने भी कार्ड है ना सबको बांट देंगे, जिसमें से एक जगह हमारी कवर हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब मैं यश जी सबने रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो हमें कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे, तो प्लीज बताने स्टार्ट करो। हाँ तो अभी हम आए हैं डहाने से सपनावत के पास से, अब हम जाएंगे फगौता, फगौता के बाद हमें जाना है पिलखुआ, और फिर पिलखुआ के बाद दतैड़ी, देन गालन एंड देन गाजियाबाद लास्ट में हमारा। गाजियाबाद से फिर वापस आते हुए हमें निजामपुर जाना है जो हमारे घर के पास ही है, एंड देन लास्ट में फिर हापुड़। कल कवर करेंगे हम मेरठ वगैरह की साइड की, आज इतना ही हो पाई, जिसमें कि आपका पार्टनर दूसरा होगा, ये आदि तोमर ब्लॉगर नहीं होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंडे आदि तोमर ब्लॉग पे कल का ब्लॉग मैं शूट करूंगा। हाँ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि शादी वाले ब्लॉग में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं आपको। हर संडे को एक मस्त ब्लॉग मिलने वाला है, सरप्राइजिंग चीज है जो मिलने वाली है। हाँ चलो अभी फिलहाल हम फगौता पहुंच चुके हैं, और एक बुआ जी के बाद अब हम जा रहे हैं दो जनों के, और फिर यहां से सीधा निकलेंगे हम पिलखुआ। गाइस अभी फिलहाल दूसरी जगह के भी कार्ड बच चुके हैं, और हमने ना यहीं पर बजा दिए 3:30। अभी हमको जाना है यहाँ से पिलखुआ, पिलखुआ के पास एक और गांव कौन सा,
दतैड़ी और फिर हमें जाना गाजियाबाद। तो हम ना आप सीधा आपसे गाजियाबाद मिलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही हम हर जगह दिखाते रहे ना तो ब्लॉग हो जाएगा काफी लंबा। हम जब भी दिखा सकते हैं, जब हमें हर बार हर कार्ड हर गांव के कार्ड बांटने के बाद लघु संख्या लघु संख्या, क्योंकि अभी पहले गांव में भी हमें लघु संख्या लगी तब हम रुके थे, अभी भी हमें लघु संख्या लग गई। तो बस गाइज फाइनली हम गाजियाबाद आ चुके हैं, और जो टाइम हो रहा है ना, हम पहुंचे हैं 7:45। अब देख लो, जबकि हमने जो ना अभी स्किप कर दिया था बीच में प्लकवा, प्लकवा हम गए नहीं, अब जाते टाइम जाएंगे प्लकवा में। और फटाफट से पहले तो एक ब्लॉग मेरे को लगाना अपलोडिंग पे, अच्छा हुआ हम यहाँ पे आ गए। और देखो अपने घर का कार्ड मैं खुद ही लेके आया हूँ, ये दिन आ रहे हैं हमारे, पराया कर दे इन्होंने, कार्ड दिया जा रहा है मेरे को। घर में कोई कार्ड दे, हमारी लड़कियां की शादी है, देख लो अभी को कार्ड दे रहे हो, क्या तो मतलब तुमने हम कराए कर दिए थे, हम तो नहीं कराए हैं, हमें ठंडी लगी है ना, कार्ड तो एक बहाना है, मेन चीज तो चाय है, चाय। अरे चाय भी मेन चीज ना, अब जहां हम गए हैं चाय चाय। और आज मैंने पता कुछ नहीं करा, जैसे जिसके घर से निकले ना कार्ड दे के लघु संख्या, अब फटाफट से थोड़ा सा लघु संख्या करके वापिस चलते हैं प्लकवा, फिर देखते हैं किस टाइम, पहले हम यहाँ से निकलने का टाइम बताएंगे, उसके बाद वहाँ पहुंचने का टाइम बताएंगे, आप फोटो हम किस टाइम पहुंचेंगे। तो ये देखो गाइस हमारे घर पे फिलहाल चल रहा है हर बार की तरह, हमारी बुआ आई थी ना अभी, तो वो इसकी फैन है बहुत ज्यादा, दम मेरे दिल की, हमें भी कर दो यार इतना फेमस जो हमारे भी लोग फैन हो जाए। तो फटाफट से चाय पीते हैं और निकलते हैं, बंदे को लग रही है ठंड सुबह से फिर से, ये तो फैशन में अभी भी। तो चाय पी के निकलते हैं, ये टाइम हो रहा है 7:10। मतलब बिन कार्ड दिए, अबे कार्ड कहाँ है, हमारा कार्ड तो देख के जाओ, आपको पता होगी आपको। और जो स्क्रिप्ट है वो रटनी है पूरी। अच्छा फोटो की जाना क्या, रुक जाओ। यस कार्ड दे दिया हमारा, पक्की बात, तब वापिस ले लो, दे तो दिया ऐसे करते हाँ। तो हम 7 बजे निकल रहे हैं, अब देखते हैं किस टाइम हम पहुंचे, बीच में पिलखुआ रुकना, निजामपुर रुकना, फिर हापुड़ जाके थोड़ी मस्ती करनी माही के साथ। तो जल्दी से फटाफट से चलते हैं यहाँ से, आराम आराम से जाएंगे स्कूटी लेके। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं 6000 टोल टैक्स पे, और अब हम पिलखुआ के रास्ते पे, अब हमें पिलखुआ जाना है, पिलखुआ होते हुए फिर हम जाएंगे सीधे घर। टाइम हो चुका है 7:30, आधा घंटा में हो चुका है गाजियाबाद से निकले हुए। और हाँ बोलो, पहले हेलो बोल दो, हेलो भाई। तो गाइस अभी फिलहाल हो चुके 9:15 और हम टाइम से आ चुके हैं, और यार इनका ना थैंक यू आंटी, आज मुझे अपने यूट्यूबर होने का एहसास हुआ। निजामपुर में जो लोंडा रहता ना, जिसके कह रहा के भैया मैंने मैं ये रघुनाथपुर में रहते हैं, मैंने हाँ मैंने सोचा साथ देखो, कहता नहीं मैं आपके व्लॉग्स देखता रहता हूँ। ओए बहन, ओ नो, थैंक यू। आज मैं समझ गया क्या खुशी होती है जब कोई कहता है ना यूट्यूबर के सब्सक्राइबर मिलते हैं, तरक्की मेरी पास में है, पैसे दे दो इस बात पे। बहन तेरी गलत बात है वैसे, ये तना अपनी शॉपिंग, आंटी मेरा भी एक जोड़ी कपड़े नहीं आए, इन्होंने पता ना ग्रुप में धनाधन ये कपड़े है, वो कपड़े है, काला चश्मा क्यों ट्वर्क करेंगे क्या हम यो ब्रो तो हमारी हल्दी की मेहंदी की टीम है, क्या टीम है, डांस दिखाओ, डांस दिखाओ, तुम हट जाओ, तुम दुल्हन ना, तुम्हें लास्ट में दिखाएंगे हम, खांसती रहोगी, देख लो जी खांस रही है, देख लो और खांसो ना ना जी, आज याद कर रहे हिचकी नहीं आती आजकल, लॉजिक चेंज हो चुके हैं, कलयुग आंटी जा रही है कलयुग। माही ब्रो सुंदर सी लग रही है तुम, कुछ नहीं, मैंने मैंने एक कसम खाई है 9 दिसंबर में खूब झूठ बोलूंगा। फोन पे झूठ बोला था तूने, झूठ ही बोला था, झूठ ही बोला तेरे लिए, और यार तेरे लिए तारीफ तो उसकी करूं जो हो लायक,
गाइस अभी ना फिलहाल डिनर करके हम लोग आए नाइट वॉक पे। आज माही कुछ खिलाएगी। आज बुरी तरीके से जैसे कहते ना थक चुके हैं जुकाम की वजह से। इतना गंदा सिर में दर्द है, इतना गंदा। इसका इस टाइम पे इतना बुरा जुकाम है, अगर मैं इसका कोरोना टेस्ट कराऊं ना तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। डबल ट्रिपल पॉजिटिव है। देखो पीछे चूना लगा हुआ है। हेलो गाइस, ये अभी रोशनी में दिखाऊं। गाइस ये देखो, ये इसको बांट रही है, ये देखो स्वीटी सुपारी। नशे कर रही है आजकल इन्होंने मुझे बोल। और यार देखो सच बात बताओ, भाई गरीब है। हाँ, भाई उससे ज्यादा गरीब है। इन्होंने देखो जो सबसे पहले कपड़े जिसने खरीद लिए सारे, ये तो गरीब है और मैं बेरोजगार। और इसके इसने सबसे पहले कपड़े लिए, ये नहीं आ रही सरम के भैया को क्या लेना। मैं देखो मैं नंदू वाला कच्चा भाई, हम ही लोगों काम हो, हम तो ले ही लेंगे एंड टाइम पे, भी हमारा क्या टेंशन। गरीब पहले से इंतजाम करके रखे हैं। जो पहले से इंतजाम वो कर सकता है, जो पैसे पहले से हो। ठीक है तो गाइस फिलहाल आज का ब्लॉग हम करते हैं पे खत्म। आई होप आप सभी लोग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी बातें मत सुनना, ये तो है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।